बनाएंगे कोकोनट पेस्ट, जो करी में ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है आंध्रा में नॉन वेज करीज के लिए, बिरयानीज के लिए। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। ये हम पहले मिक्सी जार में एक बाउल कोकोनट लेंगे, ड्राई कोकोनट, आप चाहे तो कच्चा वाला भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप धनिया, 1/4 कप तिल, खसखस भी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं खसखस का, पॉपी सीड्स। अब इसमें डालेंगे 12 से 13 काजू, 5 लौंग, 4 इलायची और 2 इंच का चकला, इसको छोटे से इस तरह तोड़कर डालेंगे। अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर डालते, हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इस तरह से थिक पेस्ट हमें चाहिए, स्मूथ एंड सॉफ्ट पेस्ट। अब इसको हम एक 8x8 कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और फ्रीज़र में रख लेंगे इस तरह से। आप इसको 3 या 4 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में जब भी चाहिए थोड़ा सा निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बिरयानी में, नॉन वेज करी में, खुरमे में, हर किसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रेडी होगा तो आपका करी बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाएगा। ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।